अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन। आज मैं होम किचन में हर घर का फेवरेट फूड कढ़ी चावल बनाऊंगी। कढ़ी चावल बनाना बहुत आसान है। बहुत सारी बच्चियां और न्यूली मैरिड लड़कियां जिनको कढ़ी तो बहुत पसंद होती है लेकिन उनको बनाना नहीं आती, तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ी बनाना बताऊंगी, जिसमें अगर आप योगर्ट और ग्राम फ्लावर मींस बेसन के प्रोपोर्शन को का ख्याल रखेंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर आप मेरी रेसिपी को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ी इससे बहुत अच्छी बनेगी और आपकी फैमिली भी बहुत लाइक करेगी। तो ये स्पेशली वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम बना रही हैं। तो चलें मज़ेदार सी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें 500 ग्राम्स योगर्ट और 2 कप्स, अगर आप उसको मयरन कप के साथ कर रहे हैं मयर, तो मैंने ये वाले 2 कप्स जो हैं योगर्ट लिए हैं। और कढ़ी बनाने की एक टिप ये है कि अगर आप कढ़ी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योगर्ट थोड़ा सा खट्टा यूज़ करें। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जब आपने कढ़ी बनानी हो तो 2-3 डेज पहले आप योगर्ट ला के फ्रिज में रख लें, और अगर आप घर में खुद जमा रहे हैं तो उसको भी 2-3 दिन पहले जमा के रख लें, और जब कढ़ी बनानी हो तो फिर यूज़ करें। तो मीन्स इसके लिए खट्टा दही जो है उसकी कढ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने ये 500 ग्राम्स योगर्ट ली है, 1 कप ग्राम फ्लावर और बेसन। अगर आप इसको मयरन कप से कर रहे हैं तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन है, और अगर आप इसको टेबलस्पून से मयर कर रहे हैं, फुल हीप टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून होंगे। 1 मीडियम साइज अनियन, 6-7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 इंच जिंजर, 1 ग्रीन चिली, फ्रेश कोरिएंडर एंड 1/2 कप ऑयल। इसकी स्पाइसेस में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून फुल हीप रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, जो हम बिल्कुल जब कढ़ी रेडी हो जाएगी तो फिर ऊपर से डालेंगे। चलें फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉट में ऑयल डालेंगे, साथ ही इसमें अनियन भी डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। और इसका बहुत लाइट सा गोल्डन कलर करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, मीन टाइम मैं जिंजर और गार्लिक को ब्लेंड करके उनकी पेस्ट बना लेती हूँ। अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इस स्टेज पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दूंगी और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही इसमें जितनी स्पाइसेस हैं इनको भी डाल देंगे। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी। मीन टाइम ग्राम फ्लावर और योगर्ट को ब्लेंड कर उसका मिक्सचर बना लेते हैं। अब एक ब्लेंडर में मैं योगर्ट और उसमें बेसन डालकर इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार करूंगी और इसको 2-3 मिनट्स तक जो है इसको ब्लेंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। अनियन और जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को मैंने थोड़ा सा इसमें फ्राई किया पॉट में। अब इस स्टेज पे मैं इसमें योगर्ट और ग्राम फ्लावर का जो मिक्सचर है उसको मैं ऐड करूंगी। और इसको साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब साथ ही इसमें मैं 1 लीटर पानी भी ऐड कर दूंगी अब इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे कि इसमें कोई बेसन का लंप ना बने। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे
तो व्यूअर्स 5 to 10 minutes में कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको मैं बिल्कुल हल्के फ्लेम पर रख दूंगी और इसको फर्दर हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखें अभी ये बहुत पतला है तो हम इसे तब तक बनाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए और बेसन भी पक जाता है। अब व्यूअर्स जब तक कढ़ी पक रही है मीन टाइम हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों का बैटर तैयार करने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं उनमें 6 to 7 tablespoons बेसन, 1 स्मॉल साइज अनियन, 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर। अब इन सारी चीजों को बेसन में डालकर और पानी के साथ इनका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब साथ ही इसमें मैं पानी डालूंगी और पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करूंगी। अब पकौड़ों का बैटर मैंने तैयार कर लिया और इसकी देखें थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। तो चलें इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। पकौड़े तैयार करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है। अब इसमें मैं, आप चाहें तो कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें इस तरह की शेप के पकौड़े डालूंगी। व्यूअर्स मैंने फ्राइंग पैन में पकौड़े डाल दिए हैं। अब जैसे ये बनते रहेंगे मैं साथ साथ इनको कढ़ी के अंदर डालती रहूंगी। व्यूअर्स 1 hour के बाद कढ़ी की देखें इस तरह का इसका टेक्सचर हो गया जो बहुत पतली भी नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है। अब इस स्टेज पे जो है मैं इसमें पकोड़े फ्राई कर करके इसमें डालती रहूंगी। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है, ये पक रही है और साथ ही अब इसमें मैं पकोड़े फ्राई करके डालती जाऊंगी। अब मैं साथ साथ इसमें पकोड़े जो है मैंने फ्राई किए हैं वो इसमें मैं डालती रहूंगी और इतनी कढ़ी के लिए 20 पकोड़े जो है वो काफी होंगे। व्यूअर्स कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें इसको इतना थिक होना चाहिए। इसमें मैंने 20 जो है वो पकौड़े फ्राई करके उसमें वो भी डाल दिए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली भी डाल दूंगी। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसका जो है तड़का तैयार करती हूँ। व्यूअर्स मैं कढ़ी का तड़का तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें 1/2 teaspoon जीरा डाला है। जैसे ही जीरे का कलर गोल्डन ब्राउन होगा इसे मैं कढ़ी में डाल दूंगी और हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी। तड़का तैयार हो गया, अब इसको मैं कढ़ी में डालूंगी। और बस हमारी मजेदार सी कढ़ी तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और इसको गार्निश करूंगी। व्यूअर्स हमारी जबरदस्त से कढ़ी चावल तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप यू विल लाइक इट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।